कुलेहड़ा पंचायत प्रधान अंजना कुमारी आम जनता के प्रति अपनापन, संवेदनशीलता व मिलनसार व्यवहार लोगों को काफी प्रभावित कर रहा है। हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सहनिर्माण कामगार यूनियन इंटर कांग्रेस हमीरपुर के जिला अध्यक्ष व जिला महासचिव युवा कांग्रेस रितेश कुमार ने जिला हमीरपुर NSUI के अध्यक्ष शिवम धीमान, महासचिव सौरभ ठाकुर व समस्त जिला की टीम को उनके अच्छे कार्य के लिए बधाई और शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का यह कहना है कि कोरोना के मरीज कम हो गए हैं, पीड़ितों का आंकड़ा 40,000 से 20,000 पर आ गया है। प्रधानमंत्री और भाजपा की धूमिल होती छवि को लेकर हुए चिंतन के उपरांत कुछ समाचार चैनलों ने अचानक से मनगढ़ंत सर्वेक्षणों का हवाला देकर प्रधानमंत्री की छवि को पॉलिश करने की मुहिम शुरू कर दी है। जिला प्रशासन कांगड़ा द्वारा प्रारंभ किए गए जागरूकता अभियान के तहत सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के माध्यम से कलाकारों ने ज्वालामुखी उपमंडल के गांवों में घूमकर लोगों को कोरोना महामारी के प्रति जागरूक किया। भाजपा हिमाचल प्रदेश व्यापार प्रकोष्ठ का एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से मिला। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को लेकर प्रदेश स्तरीय समीक्षा बैठक विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ की। बिलासपुर के नैना देवी विधानसभा क्षेत्र में तहसील पंचायत सरकारी डिपो में घटिया क्वालिटी का आटा जनता को वितरित करने पर विधायक रामलाल ठाकुर भड़क गए हैं। भाजपा प्रदेश महामंत्री एवं मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार त्रिलोक जम्बाल ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस इस संकट काल के समय केवल राजनीति कर रही है। खाद्य आपूर्ति में राजेंद्र गर्ग ने कहा कि प्रदेश में किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ देने के लिए सरकार द्वारा भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से किसानों से गेहूं की खरीद का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1,975 रुपये प्रति क्विंटल की दर से की जा रही है।